राधे राधे, जय माता की। भक्तों, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल साधना में। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल स्पिरिचुअल साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। राधे राधे, जय माता की। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ईश्वर की कृपा से। और ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय माता की या फिर हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेरे प्रभु के भक्तों, मेरे नारायण के भक्तों, आज हम आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आए हैं जो कि एकादशी व्रत से संबंधित है। एकादशी व्रत इस माह श्रावण मास में 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को मनाया जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। एकादशी का जो व्रत है भगवान नारायण को समर्पित है। लड्डू गोपाल की सेवा करना, नारायण की पूजा करना, उनके मंत्रों का उच्चारण करना, उनके मंत्र का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। तो आप सभी लोग अपने अपने तरीके से जिस प्रकार से आपको सुविधा हो प्रभु को मनाइए। और यदि आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं और किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम कथा शुरू करते हैं। बोलिए राधे कृष्णा। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की क्या विधि है तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए, इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महीजित नाम का एक राजा राज्य करता था। किंतु उस राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। राजा के किसी भी प्रकार की संतान नहीं थी, ना ही पुत्र और ना ही पुत्री। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। सब कुछ होते हुए भी वह राजा दिन रात इसी चिंता और दुख में डूबा रहता था कि उस वह निर्वंशी राजा है, उसके कोई संतान नहीं है। वृद्धावस्था आने लगी तो वृद्धावस्था आते देख कर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। मैंने जो भी धन एकत्रित किया है सारा कुछ न्याय संगत ही है। कभी मैंने किसी भी गलत तरीके से धन को नहीं इकट्ठा किया, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। मैंने जाने अनजाने में कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। राजा को यह सारी बातें अपनी प्रजाजनों से करते देख प्रजा को भी अत्यंत दुख हुआ। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा राजा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। राजा कहता है कि मैंने कभी किसी पर कोई अत्याचार नहीं किया, सबको अपने पुत्र और बांधवों की तरह ही माना। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। मैंने सदा ही सज्जनों की पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इस राजा अपने प्रजाजनों से कहता है, मेरे इस दुख का कारण क्या है,
मुझे यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह तनिक भी मत करो। बोलिए राधे राधे। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महीचित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुख भोग रहा है, उसके कोई संतान नहीं है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यान्ह के समय, जब वह दो दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया, स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को इस पाप के कारण ये दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषियों, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम लोग इस व्रत को करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट गई। और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण करके प्रभु का भजन कीर्तन किया। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार राजा ने अपने बुरे कर्मों के कारण दुख पाया कि राजा को संतान नहीं हुई
और राजा निसंतान था, किंतु अनजाने में जो उसने व्रत किया था एकादशी तिथि का, उसका पुण्य उसे इस प्रकार प्राप्त हुआ कि वह निर्धन वैश्य से राजा बन गया। तो प्रभु की कृपा देखिए किस प्रकार होती है, अगर हमसे जाने अनजाने में भी कोई शुभ कार्य होता है, कोई पुण्य कार्य होता है, तो ईश्वर हमें उसका भी फल प्रदान करते हैं। किंतु हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें प्रभु देते हैं, उसी प्रकार हमारे बुरे कर्मों का भी फल हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे वह बुरा कर्म हमने जानकर किया हो और चाहे अनजाने में किया हो। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ पूरे नियमों के साथ एकादशी का व्रत कीजिए, क्योंकि यह जो व्रत है ये समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है मनुष्य को। तो आपको कथा कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से एक बहुत ही सुंदर वीडियो के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। राधे राधे, जय माता की, ओम श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि।